IAS अधिकारी एक ऐसा पद होता है जो अपने साथ कई सारी जिम्मेदारियां लेकर आता है, और फिर जब बात महिला IAS अधिकारी की होती है तो थोड़ी मुश्किलें ज्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन जिस तरह से आजकल महिलाएं समाज में आगे बढ़ रही हैं, उस वजह से इन चीजों को आजकल थोड़ा आसान कर दिया है। आज हम बात कर रहे हैं IAS अधिकारी रिजू बाफना की। रिजू बाफना छत्तीसगढ़ में जन्मी और पली बड़ी है। रिजू ने किरोड़ीमल कॉलेज से स्नातक और इकोनॉमिक्स में दिल्ली से मास्टर्स किया। इन्होंने UPSC सिविल सर्विस एग्जाम 2013 में 77वीं रैंक हासिल की और 2014 में IAS ऑफिसर बन गई। IAS अधिकारी बनने से पहले रिजू कैम्ब्रिज आर्थिक नीति एसोसिएट्स में काम कर रही थी। रिजू बाफना तब चर्चा में आई जब उनका फेसबुक पर डाला गया एक पोस्ट तेजी से वायरल हुआ था। महिला IAS अधिकारी रिजू बाफना ने अपने फेसबुक स्टेटस में लिखा था कि मैं केवल यही दुआ कर सकती हूँ कि इस देश में कोई महिला जन्म न ले। इस स्टेटस के शेयर होने के 48 घंटे के अंदर ही इससे कई सारे लोगों ने अपने फेसबुक और सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया था। इस पोस्ट के जरिए रिजू बाफना ने अपने एक मित्र के खिलाफ अश्लील मैसेज भेजने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसी के चलते रिजू बाफना चर्चा में आई थी। रिजू बाफना अपने कार्यों के लिए जानी जाती है और आज हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में रिजू बाफना जैसी महिला IAS अधिकारी भी है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।